Hey guys, what's up everyone? क्या हाल, कम बैक टू द चैनल। एंड फिलहाल मैं भी ऐसे बात कर रहा हूँ क्योंकि नम्रता सो रही है और सुबह का अभी 8:30 बज रहा है एंड संडे का दिन है। और आज भी फिर मैं जल्दी उठ गया हूँ बिकॉज आई हैव टू गो, क्योंकि आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मैच है। नो डोंट गेट मी रॉन्ग, मुझे खेलना नहीं है, मुझे मैच देखने जाना है। अभी फिलहाल क्या है कि आदितेश मुझे पिक करने आ रहा है एंड यहाँ से हम डायरेक्टली जाएंगे स्टेडियम। तो स्टेडियम कहाँ है, कैसा है, कहाँ पे है मैच, मुझे भी इसका भी आइडिया नहीं है, तो मैं बता दूँ। तसल्ली रखो यार। फिलहाल अभी मैं कैमरा बंद कर देता हूँ बिकॉज बीवी सो रही है। मैं पूरी रात ढंग से सो नहीं पाया, कल रात को बहुत लेट सोया। आई स्लेप्ट अराउंड 4 इन द मॉर्निंग एंड उसका भी रीजन ये है कि कल जो है दिन में 4-5 घंटे में सो लिया था, तो मेरे को रात को बिल्कुल नींद नहीं आई। मैंने गॉट अप इन द मॉर्निंग, लाइट वाइट गलती से खोल दिया, देन शी फेड अप, शी गॉट पिस्ड। सुबह सुबह से मुझे टाटा है ना भाई, तो मज़ा आ गया सुन के। सुबह सुबह मैच देख के आते हैं, क्या सीन है माई गॉड। तो एक बार वो आ जाए फिर चलते हैं मैच देखने। भाई गाड़ी तो उसकी आएगी एंड फिर से लोग कॉल आ गया। शांति नहीं एक बार मैं किसी को भी बोलता ना पहले। हाँ हेलो, हाँ बस आया 2 मिनट। और भाई क्या हाल है विनो भाई? हाँ छुट्टी। अरे सीट का बीच कर देता मेरे लिए, क्या मालूम। अरे मैच कहाँ है ये तो बता, कौन सी स्टेडियम में? कौन स्टेडियम में? कोई ग्राउंड टाइप है यार। अच्छा ग्राउंड है क्या? चलो भाई चलो। कभी टाइम पे पहुंचे कहीं भी? हमेशा। कहाँ टाइम पे पहुंचे? आज भी लेट हो गए। वो लेट है कभी अपन दोनों कहीं भी साथ जा रहे हो ना, हमेशा हम लेट पहुंचते हैं। कहीं भी ट्रिप पे गए हो या अभी कहीं भी जा रहे हो, आज भी अपन लोग लेट। 2 बार कॉल आ गया बेचारे का, बोलता साइकिल से आ रहे हो क्या? बेचारे आई थिंक जिस ग्राउंड में हम जा रहे हैं मैं वहाँ पे जा चुका हूँ। और वहाँ पे पता क्या, अपने बैंक वाले जो थे ना मिसाइल बम्बे, अपने वहाँ क्रिकेट खेलने गए थे। और भाई तेरे भाई ने जो बैटिंग करी है ना, लेदर बॉल से मैच था, पहली बॉल LBW खेलते ही, पहली बॉल LBW खेलता ही है। बहुत अच्छा खेलता हूँ। अब खेला मेरे को वैसे भी नहीं आता था ना, और लेदर बॉल से तो घंटा सा वैसे भी नहीं आता क्योंकि अभी खेला रही हूँ लेदर बॉल से। और पहली बार खेलने गया हूँ, पहली बार बैटिंग आई। और पता क्या, जो अपोजिशन टीम का विकेट कीपर था ना, यूजी कैप्टन, तो जैसे ही मैं आया खेलने एंड जब मैंने स्टैंड दिया ना बैटिंग का, तो उसने स्टैंड दे के बोला अरे आप खेलते हो क्या सर? मैंने कहा हाँ सर मैं खेलता था, बहुत टाइम पहले खेलता था, आई मीन कॉलेज के टाइम पे, स्कूल के टाइम पे खेलता था, उसके बाद कभी खेला नहीं, टच में रहा नहीं क्रिकेट के भी। तो कहता अच्छा आपका स्टैंड दे के मैं बता सकता हूँ, क्योंकि क्या कि काफ़ी लोग ऐसे हैं जो स्टांस भी ढंग के नहीं ले पाते हैं। तो जब मैं आया बैटिंग पे और जब मेरी पहली बॉल आई, पहली बॉल में जब LBW हो रहा भाई, बहुत बेइज्जती हुई। मैंने कैप्टन की तरफ मुड़ के नहीं देखा वापस, मैं चल दिया चुपचाप। कैप्टन ने भी सोचा होगा कैसा खेलता है। अरे यार वो अपोजिशन टीम का था, मतलब ही इज़ ओवरऑल कैप्टन ऑफ दिस रीजन। अच्छा ऐसा, तो वो देख के बेचारा, मैंने देखा ही नहीं फिर आउट होने के बाद, पीछे मुड़ के नहीं देखा, मैं चुपचाप वापस आ गया। So we have finally reached the ground और अभी देखते हैं अपन लोग मैच। फिलहाल अभी मैच खत्म हो गया, मैं घर आ चुका हूँ एंड लेट्स सी नम्रता घर पे क्या कर रही है। मैं गलती से ताला लगा के था घर के बाहर। ये जल्दी आ गए सुबह, आपने क्या किया, व्हाट डिड यू डू? घर का ताला लगा के गए थे ना? मैं जब ये जा रहा था ना, तो गलती से ना, एक्चुअली मेरी गलती है, मैं मानता हूँ, मेरी गलती। मैं घर का लॉक लगा के चला गया था एंड
साथ में लैच भी लगा दिया था मैंने, तो जो अपने काम वाली भाई है वो आती रहती थी, वो आई, उन्होंने देखा होगा कि घर में ताला लगा हुआ है, एंड देन शी वेंट ऑफ एंड देन शी कॉल्ड मी कि गुस्से में एकदम ये क्या कर दिया मैंने, नींद भी खराब हो गई, काम भी नहीं। एक्चुअली क्या है, दिन में अगर सो जाओ तो फिर रात की नींद तो खराब हो ही जाती है, वो तो अंडरस्टूड सी बात है, बट अभी फिलहाल मैं घर आ गया और मैं फटाफट अभी नहा लेता हूँ जल्दी से। क्या रही है, बहुत बब्बू आ रही है, पसीन छींची एडिट हो जाएगा इसका पार्ट, ये नहीं आएगा। तो फिलहाल मैं जल्दी से नहा लेता हूँ और नाश्ते में कुछ है, कुछ खाने पीने के लिए 12 बजने वाला, मैंने सुबह से कुछ खाया नहीं, 6 घंटे से मैं भूखा भूखा भूखा, क्या हो गया, भूखा भूखा हो गया तो हो गया, ठीक है मैं गया था बाहर यार मैच वैच देखने गया था, कुछ भी बना दो थोड़ा थोड़ा सा जो मैं खा लूँ मुझे टेस्टी लगे, क्योंकि अगर जब भूख लगती है ना तो मन करता है कि कुछ अच्छा सा खा लूँ, मेरा तो मन करता है भाई कि मतलब जब भूख लगती है मुझे कुछ चाहिए चाहिए खाने के लिए, खुशबू बहुत बढ़िया आ रही है तुम्हारे खाने की, तुम्हारे हाथ का खाने में जादू अलग है, तारीफ करनी पड़ती कभी बीबी के खाने के बाद, वरना खाना नहीं मिलता। पास्ता, ये रेड सॉस पास्ता, करेक्शन रेड सॉस पास्ता, बट रेड सॉस पास्ता भी एक अलग ही है, कर लो पहले तुम वो कर लो ना ताकि मैं बोल ही ना पाऊँ, तो जानबूझ के कर रही थी, जानबूझ के से ताकि मैं जब जब बोल रहा हूँ तब तक भी चला रही है मशीन। नहीं मेरे लिए कोल्ड कॉफ़ी, थोड़ी सी कोल्ड कॉफ़ी, अलग कोल्ड कॉफ़ी ऑल्सो। अगर आप लोगों ने मेरा चैनल फूडी मेरोद्रा नहीं देखा अभी तक, सो डू चेक आउट दैट, आज हम लोग उसके लिए शूट कर रहे हैं, वी आर मेकिंग अ रियली स्पेशल रेसिपी टुडे, दैट इज अमन एंड माइंस फेवरेट पालक पनीर रेसिपी, सो डू चेक आउट माई चैनल, उस पर और भी रेसिपीज हैं, सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, उस पर आपको पूरा वीडियो मिल जाएगा, और अमन इसमें नीचे एक लिंक भी हमारे चैनल का डाल देंगे, सो दैट यू कैन जस्ट क्लिक ऑन दैट लिंक एंड गो टू माय चैनल, एंड होप आप लोगों को मज़ा आएगा, एंड शेयर करिएगा अपनी फैमिली में, फ्रेंड्स में, जो लोग अभी बिगनर्स है अपने कुकिंग में उनके साथ ज़रूर शेयर करिएगा। सो अभी देखिए अमन आ रहा है, आई एम गोइंग टू शूट नाउ, क्या यो व्हाट्सअप, सो अभी हमारा सेटअप हो चुका है, ऑल दीज आर बिहाइंड द सीन्स, हमने तैयारी कर ली है, इंग्रेडिएंट्स रेडी कर दिए हैं, किचन भाई साफ, मतलब वहाँ से लेके यहाँ तक साफ सुथरी किचन हो गई आज। This is the first time after we came to this house, we shifted to this house. तो पहली बार ऐसा हुआ कि किचन अपना सेट हुआ और साफ हुआ है, just because we wanted to shoot for foodie Mehrotra, जो कि बहुत टाइम से नहीं हुआ है। Actually, we are doing this shoot from you know after a long time because हमारी shifting हुई, बहुत सारी चीज़ हुई, हम travel कर रहे थे, तो उस वजह से हमारे उस channel पे हम videos नहीं upload कर पाए थे, and now we'll make sure कि weekly at least हम एक video तो डाला करेंगे ज़रूर, we'll share a new recipe every week with you guys, and अगर आप लोग कुछ को आप लोगों की कोई पसंद है, आप लोग कोई रेसिपी जानना चाहते हैं, डू लेट मी नो इन कमेंट बॉक्स एंड आई विल शेयर दैट फॉर श्योर। तो मैडम स्टार्ट करें हमसे, हां तो ठीक है, बाय बाय, विल सी यू आफ्टरवर्ड्स, अभी क्या फूडी मेरे तक शूट करने जा रहा है और कैमरामैन ये एज यूजुअल कि मैं रेडी हूं, यो।